नमस्कार दर्शकबिन, मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट और एस्ट्रो गुरुजी छपार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर खूब पैसे कमाना हो और जीवन में चलता हुआ सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अगर धन अर्जन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या उपाय करें। एक सूक्ष्म उपाय आपको बृहद सफलता प्राप्त कराए, तो इसके लिए आज मैं आपको कुछ उपाय प्रस्तुत करूंगा। और इस उपाय को करते समय एकाग्र मन में विश्वास और आस्था के साथ ये उपाय आपको करना है। और उपाय करते समय विशेषकर शुक्रवार के दिन छोड़कर आप कोई से भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय करते समय सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त के बीच में ही यह उपाय करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप दो लौंग और दो इलायची आप बाजार से खरीद करके लाएं। लौंग जब खरीद करके लाएंगे तो उसके ऊपर, लौंग के ऊपर जो फूल लगा रहता है ये फूल अवश्य होना चाहिए। फूल के बाद जो इलायची आप खरीद करके लाएंगे उस इलायची के अंदर बीज भी होना चाहिए और इलायची टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये दो चीज़ लाएं। दो चीज़ ला के प्रातः समय पूजा स्थान में दीपक और धूपबत्ती जलाकर भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर अपने मनोकामना उच्चारण करेंगे। और मनोकामना उच्चारण करने के पश्चात एक लौंग और एक इलायची माँ लक्ष्मी और गणेश जी के चरण में रखेंगे। और जो बचे दो लौंग और इलायची है वो जब आप पूजा आरंभ करेंगे वो भी माँ लक्ष्मी और गणेश जी के चरण में आपको रखना है। लौंग भगवान गणेश जी के चरण में रखना है तो इलायची माँ लक्ष्मी के चरण में रखना है। तो दोनों वहाँ रखने के बाद आप अपनी मनोकामना उच्चारण करें, अपना नाम गोत्र और किस स्थान पर आप विद्यमान हैं ये सभी चीज़, उसके पश्चात अपना मनोकामना उच्चारण करके माँ भगवती और भगवान गणेश जी को प्रणाम करें। प्रणाम करने के बाद वो लौंग और इलायची आप पीले अथवा सफ़ेद कपड़े में बांध रहे एक लक्ष्मी गणेश जी के चरण में छोड़ना है। और उसमें एक जो जोड़ा होगा लौंग और इलायची वो आप पीले कपड़े में अथवा पीले थैला हो, पीले कपड़े अथवा लाल कपड़े में उसको गांठ लगा के अपने पास रख के आप जो व्यवसाय करना चाहते हैं वहां ले जाएं। आप किसी व्यवसाय को प्रयत्न करना चाहते हैं तो वहां उसको आपको लेके जाना है। जब आप उसे लेके जाएंगे और जब आप अपना कार्य करेंगे तो शाम को घर लौटने के बाद उसको पुनः उस थैले को झुकी दो माँ लक्ष्मी अथवा भगवान गणेश जी के चरण में उसको रखेंगे। तो यही चीज़ आपको नित्य निरंतर करना है। अगर ये लौंग अथवा इलायची टूट जाते हैं और अथवा खराब हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं तो उसको पुनः इसी तरीके से रख के उसको चेंज करना है। और ध्यान रहे जो टूटे फूटे होंगे उसे आपको ले जाके किसी को देना अथवा प्रभावित नहीं करना है। और उसे टूटने पर वो आपको सेवन कर लेना है या फिर आप जहाँ भी पैसे रखन धारण करते हैं वहाँ उस लौंग इलायची को संभाल के आपको रखना है। और ये उपाय करते समय विशेषकर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी का टोका टाकी ना हो और किसी का हाथ ना लगे उस पर। अगर हाथ लगेगा तो शक्ति छीण होगी और उपाय आपको इतना कारगर नहीं होगा, इसलिए किसी का टोका टाकी अथवा स्पर्श नहीं होना चाहिए। हस्त मित्र आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स जरूर करें। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपना मित्र पर शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा ये जरूर आप कमेंट्स को लिखें। और क्या समस्या आपके जीवन में चल रहा है इसके बारे में आप जरूर लिखें। हरिओम।